हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं 15 पैकेट की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास टोटल 3 तरह के पैकेट हैं गाइस। मेरे पास हैं 5 पबजी बैटल ग्राउंड के पैकेट्स, 5 है मेरे पास मोटू पतलू का खजाना और 5 है गाइस लूट मार खजाना। और हम करने वाले हैं इन 15 पैकेट्स की अनबॉक्सिंग, यानी कि 5-5 पैकेट है मेरे पास। 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं, और हम टोटल 15 पैकेट्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आज हम करेंगे कंपैरिजन कि इन तीनों स्नैक्स में से कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा अमेजिंग है, किसके अंदर सबसे ज्यादा गिफ्ट्स निकलते हैं, क्योंकि ये तीनों ही स्नैक्स बहुत ही ज्यादा वायरल हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो टाइम ना खराब करते हुए पहला स्नैक्स ओपन कर लेते हैं। ये है गाइस पबजी बैटल ग्राउंड स्नैक्स, जिसके मेरे पास है टोटल 5 पैकेट। पहले पैकेट को काट लेते हैं, कंपेयर करेंगे और आप खुद बताना कि आपको कौन सा स्नैक्स सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला पैकेट मैंने कट कर लिया, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस पहले पैकेट के अंदर येलो कलर का कुछ निकला है। क्या निकला है मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। येलो कलर का निकला है जो कि आई थिंक एक छोटा सा पर्स है, वॉलेट है, क्योंकि इसके यहाँ पर चैन है जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस पहले ही पैकेट के अंदर बहुत ही यूनिक सी हमारी चीज निकली है, बहुत ही काफी गजब सी है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है देखने में, क्योंकि इसके ऊपर जो डिजाइन बना है वो कुछ इस तरह का है। वाह यार, काफी ज्यादा यूनिक सा है, मजेदार एक पर्स निकल गया हमारा, छोटा सा बच्चों वाला, गर्ल्स जो यूज करते हैं कुछ उस तरह का पर्स है गाइस ये। वाह यार, काफी यूनिक सी चीज निकली है, मजा आ गया। इसको यहाँ रख लेते हैं, सेकंड पैकेट ओपन करते हैं पबजी बैटल ग्राउंड का। ये गाइस पैकेट मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। और गाइस इसके अंदर निकला है कुछ, गाइस इसके अंदर निकली है ये छोटी सी कार, पर्पल कलर की। वाह यार, काफी यूनिक सी हमारी कार निकली है, छोटी सी मिनी कार। गाइस ये चलती है या नहीं ये भी देख लेते हैं। और गाइस आई थिंक ये चलती है, वाह ये देखिए गाइस ये चलती भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका टायर काफी स्पीड से घूम रहा था और काफी ज्यादा यूनिक इसका लुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी बॉडी के अंदर भी आप देख सकते हैं ना, ट्रांसपेरेंट टाइप की थोड़ी सी कार है गाइस, और काफी यूनिक इसका डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है गाइस देखने में ना। अगर आपको इसका डिजाइन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। काफी यूनिक सी हमारी कार निकल गई है, पर्पल कलर की, जो कि चलती है। ये देखिए गाइस ये चलती भी है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और गाइस अब हम करने वाले हैं थर्ड पैकेट अनबॉक्स, जो कि है पबजी बैटल ग्राउंड का। टोटल 5 पैकेट हैं, इसको मैंने कट कर लिया, इसको यहाँ पर डालेंगे। और गाइस इसके अंदर भी दो दो गिफ्ट निकले हैं, वाओ यार दो दो गिफ्ट एक ही पैकेट के अंदर। एक निकला है गाइस हमारा पेन सेल्लो कंपनी का, और गाइस एक निकला है हमारा छोटा सा चाबी का छल्ला, काफी यूनिक डिजाइन वाला। आई थिंक गाइस इसके ऊपर एक डॉग और एक कैट बना हुआ है ना। वाओ यार, काफी यूनिक सा हमारा चाबी का छल्ला निकल गया, ब्लैक कलर का, ऑरेंज और येलो कलर भी है इसके अंदर। और एक निकला है हमारा पेन सेल्लो कंपनी का, वाओ सेल्लो मैक्स ट्रीम। वाओ यार, काफी यूनिक सा हमारा पेन और एक चाबी का छल्ला निकल गया गाइस। पबजी बैटल ग्राउंड के मैंने 3 पैकेट खोले और तीनों में गिफ्ट निकले हैं। वाओ यार, काफी अमेजिंग बात है, यानी कि पबजी बैटल ग्राउंड स्नैक्स भी आज कंपैरिजन में जीत सकता है। और गाइस ये मैं चौथा पैकेट कट कर लेता हूँ, चौथा पैकेट मैंने काट लिया, इसको यहाँ पर डालेंगे। और गाइस इसके अंदर भी दो दो चीजें निकली हैं, वाओ यार काफी यूनिक सी बात है, दो दो गिफ्ट निकल रहे हैं। एक निकला हमारा छोटा सा चाबी का छल्ला पिकाचू वाला, वाओ यार है ना, कितना ज्यादा यूनिक सा और काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस देखने में। वाओ यार, बहुत ही क्यूट सा पिकाचू हमारा निकल गया। और एक और निकल गया हमारा ब्लू कलर का पेन मैक्स ट्रीम सेल्लो कंपनी का, वाओ यार काफी यूनिक सा हमारा पेन निकला। ये देखिए गाइस इसकी नोक पर रबड़ लगी हुई है, जिससे कि ये पता चलता है कि न्यू पेन है। वाओ यार, दो दो चीजें निकल गई हैं एक और पैकेट के अंदर, ये चौथा पैकेट था गाइस। और काफी सारे गिफ्ट यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिफ्ट अब तक हमारे कलेक्ट हो गए हैं। और गाइस ये लास्ट पैकेट है पबजी बैटल ग्राउंड का 5वां पैकेट, इसको ही मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस इसके अंदर भी दो दो चीजें निकली हैं, वाओ यार, एक निकला है पेन और एक निकली है छोटी सी अंगूठी। वाओ ये देखिए गाइस, अंगूठी मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड की हमारी अंगूठी निकली है। वाओ ये देखिए गाइस, काफी ज्यादा अमेजिंग सी हमारी रिंग निकल गई है, जिसके ऊपर शायद घड़ी की तरह डिजाइन बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाइस ऐसे टाइम बना हुआ है इसके ऊपर, और काफी ज्यादा यूनिक सी हमारी गोल्ड टाइप रिंग निकल गई है। वाओ यार, ये गोल्ड की तो नहीं होगी, लेकिन इसका आप डिजाइन देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड जैसा लग रहा है गाइस। वाओ यार, गोल्ड रिंग हमारी निकल गई है, मजा आ गया गाइस। और एक और निकल गया हमारा पेन सेल्लो मैक्स ट्रीम। वाओ यार, 3 पेन टोटल इकट्ठे हो गए और काफी सारे गिफ्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 गिफ्ट निकल गए हमारे 5 पैकेट के अंदर से। वाओ यार, अब हम करने वाले हैं गाइस मोटू पतलू का खजाना स्नैक्स की अनबॉक्सिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं आनंद कंपनी की तरफ से आता है। और गाइस इसकी अनबॉक्सिंग में बहुत ज्यादा बार कर चुका हूँ, काफी सारे ही गिफ्ट इसके अंदर से निकलते हैं, तो उम्मीद करूंगा मैं दोबारा से इसके अंदर गिफ्ट निकले ताकि मजा आ जाए वीडियो में। ये पैकेट मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसके अंदर निकल गई है गाइस हमारी एक वॉच, वाओ कैलकुलेटर वॉच निकली है गाइस,
ऐसी मेरी बहुत टाइम पहले निकली थी, कम से कम 2 महीने पहले ऐसी निकली थी गाइस, और दोबारा से निकल गई है। वाओ यार, जैसे कि आप देख सकते हैं 9:05 हो रहे हैं इसके अंदर और सेकंड की सुई भी चल रही है। वाओ यार, जैसे कि आप देख सकते हैं 28, 29, 30, वाओ सेकंड भी चल रहा है, मजेदार है ना गाइस। और गाइस देख लेते हैं इसका कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है। हम कम करेंगे 5 + 5 = 10। वाओ, ये देखिएगा इसका कैलकुलेटर भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी यूनिक सी हमारी वॉच निकल गई है, जिसका डिजाइन आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वाओ यार, काफी ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है गाइस देखने में, मजा आ गया। पैसा वसूल पैकेट बन गया, इसको यहाँ रख लेते हैं, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस ये है मोटू पतलू का सेकंड पैकेट, ये मैंने कट कर लिया है, इसको यहाँ पर डालेंगे। वाओ गाइस, इसके अंदर भी 2-3 गिफ्ट निकले हैं एक साथ, क्या निकला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, गाइस इसके अंदर निकल गए हैं ये 3 चीजें, यानी कि गाइस इसके अंदर 3 नहीं टोटल 1 ही चीज निकली है, जो कि गाइस हमारा बे ब्लेड। वाओ, और गाइस ये है इसका लॉन्चर जैसा कि आप देख सकते हैं। वाओ यार, और एक निकल गया है बेब्लेड का वायर, जिससे कि बेब्लेड को चलाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी यूनिक सा हमारा बेब्लेड और लॉन्चर निकल गया है, और काफी ज्यादा है, बड़ा ही है साइज में गाइज। बेब्लेड का आप डिजाइन देख सकते हैं ग्रीन कलर का, काफी ज्यादा ऑसम है गाइज। वाओ यार, नीचे से आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कूल सा हमारा बेब्लेड विद लॉन्चर निकल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज। पैसा वसूल पैकेट बन गया, काफी ज्यादा अमेजिंग टाइप का गिफ्ट है। मैं आपको इसे चलाकर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि पूरी स्क्रीन में सब जगह स्नैक्स पड़े हुए हैं, और अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो आपको ये जरूर पसंद आ रहा होगा क्योंकि काफी ज्यादा यूनिक सा है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस ये है थर्ड पैकेट मोटू पतलू का खजाना स्नैक्स का, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, कट पैकेट हो गया, कट इसको यहाँ पर डालेंगे। वाओ गाइस, इसके अंदर भी बड़ा सा गिफ्ट निकला है गाइस, इसके अंदर निकल गया हमारा स्किपिंग रोप। ये देखिए गाइस, गाइज बहुत ही अमेजिंग सा हमारा स्किपिंग रोप निकल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं रोप में काफी सारे मल्टी कलर है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, काफी बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है गाइज देखने में, काफी ज्यादा यूनिक टाइप का गिफ्ट है गाइज ये। अगर आपको ये गिफ्ट पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी ज्यादा यूनिक टाइप का गिफ्ट है गाइज ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं मोटू पतलू के मैंने 3 पैकेट खोले हैं, तीनों में बहुत ही अमेजिंग टाइप के गिफ्ट निकले हैं, मजा आ गया गाइज। और गाइज ये चौथा पैकेट, इसको भी काट लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ये पैकेट हो गया कट, इसको यहाँ पर डालेंगे। और गाइज इसके अंदर भी निकला है कुछ, क्या निकला है मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, इसके अंदर निकला है ये। वाओ गाइज, इसके अंदर निकल गई हमारी स्माइली वाला चाबी का छल्ला, वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइज, काफी ज्यादा बड़ा इसका साइज है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। वाओ यार, और पीछे से गाइज ये बिल्कुल प्लेन है, आगे से स्माइली बनी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है गाइज देखने में, है ना। 100% आपको भी इसका डिजाइन और इसकी स्माइल पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वाओ यार, काफी यूनिक सा हमारा गिफ्ट निकल गया है, बहुत ही ज्यादा ऑसम है गाइज, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और गाइज ये है पांचवा पैकेट मोटू पतलू का खजाना स्नैक्स का, लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कि किस स्नैक्स ने सबसे ज्यादा गिफ्ट दिए हैं। इसको मैंने काट लिया है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वाओ गाइज, इसके अंदर निकली है हमारी छोटी सी चीज, क्या निकला है मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, इसके अंदर निकल गई हमारी छोटी सी गाड़ी जिसके ऊपर लिखा है स्कूल बस। वाओ, ये देखिए गाइज, देखते हैं चलती है या नहीं चलती है। और गाइज ये चलती है, वाओ यार, ये देखिए गाइज, वाओ काफी ज्यादा स्पीड से चलेगी जब मैं इसे फर्श पे चलाऊंगा तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही है गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी यूनिक सी हमारी बस निकल गई है, यहाँ पर लिखा है स्कूल बस और यहाँ पर लिखा है 7:30 to 6 PM। वाओ यार, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग इसका डिजाइन है, यहाँ पर लिखा है वेलकम, छोटी सी बस निकली है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रही है गाइज देखने में। वाओ यार, बहुत ही छोटा सा टॉय है लेकिन काफी ज्यादा अमेजिंग है गाइज। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 गाइज, टोटल 5 गिफ्ट निकले हैं मोटू पतला के 5 पैकेट में। वाओ यार, 5 पैकेट मैंने खोले और टोटल 5 गिफ्ट निकले हैं, मजा आ गया गाइज। तो चलिए गाइज, अब हमारे पास पड़े हैं लूटमार खजाना, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसको मैंने कर लिया है कट, पहले पैकेट को जो कि आनंद कंपनी की तरफ से आता है, और गाइज इसको यहाँ पर डालेंगे। गाइज इसके अंदर निकला, आई थिंक कॉइन निकला है, देख लेते हैं। गाइज इसके अंदर निकल गए हमारे 2-2 कॉइन। वाओ, ये देखिए गाइज, टोटल हमारे निकले हैं 3 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 1 रुपए का कॉइन और ये है गाइज 2 रुपए का कॉइन। वाओ यार, एक ही पैकेट के अंदर से 3 रुपए निकल गए हैं, मजा आ गया गाइज। पैसा वसूल पैकेट बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 रुपए निकले एक ही पैकेट के अंदर से। यहाँ पर रख लेते हैं, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं, उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे गिफ्ट इनके अंदर भी निकल जाए। ये है गाइज लूटमार खजाना का दूसरा पैकेट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइज इसके अंदर भी निकले हैं, वाओ आई थिंक पैसे ही निकले हैं गाइज, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर निकले हैं आई थिंक 11 रुपए। वाओ, ये देखिए गाइज,
ये 1 रुपए का कॉइन और गाइज ये है 10 रुपए का नोट। वाओ ये देखिए गाइज 11 रुपए निकल गए हैं, काफी अमेजिंग सी बात है ना गाइज, एक ही पैकेट के अंदर 11 रुपए निकल गए हैं। टोटल हमारारे काफी सारे पैकेट पैसे निकल गए हैं, ये देखिए गाइज कॉइन्स भी 3-3 और एक नोट भी निकला है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं, ये गाइज थर्ड पैकेट लूटमार खजाना का, इसको भी काट लेते हैं। ये पैकेट हो गया कट, इसको यहां पर डालेंगे और गाइज आई थिंक इसके अंदर भी नोट निकल गया है, देखते हैं क्या निकला है। और गाइज साथ में कॉइन भी निकला है, वाओ गाइज आज तो पैसों की बरसात हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइज एक निकला है 10 रुपए का नोट, वाओ ये देखिए गाइज 10 रुपए का नोट निकला है और साथ में 2 रुपए का कॉइन भी निकला है, यानी कि एक पैकेट के अंदर 12 रुपए निकले हैं। OMG गाइज बहुत सारे पैसे निकल गए हैं गाइज आज तो, ये देखिए गाइज 2 नोट हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं और काफी सारे कॉइन्स भी यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं, मजा आ गया गाइज। तो चलिए चौथा पैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। आज तो गाइज लूटमार खजाने ने पैसों की बरसात कर दी है क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स और नोट निकल रहे हैं, इसको यहाँ पर डालेंगे। और गाइज आई थिंक ये वाला पैकेट खाली गया है, देखते हैं खाली गया है कि नहीं। नहीं गाइज इसके अंदर भी निकला है एक कॉइन, देखते हैं कितने का है। गाइज इसके अंदर भी निकल गया है 10 रुपए का कॉइन, वाओ मजा आ गया गाइज, बहुत ही अमेजिंग बात है गाइज 10 रुपए का कॉइन निकला है, बहुत ज्यादा ही पैसे निकल रहे हैं गाइज आज तो, बहुत ही ज्यादा, लगभग हर पैकेट में पैसे निकले हैं और वो भी काफी ज्यादा ही ज्यादा निकले हैं गाइज, 10-10 रुपए लगभग हमारे निकल रहे हैं, मजा आ गया गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 30 रुपीज तो यही कलेक्ट हो गए और कुछ अलग से कॉइन्स भी हैं गाइज, मजा आ गया। तो चलिए गाइज लास्ट पैकेट ओपन कर लेते हैं जो कि है लूटमार खजाना का 5वां पैकेट, इसको भी काट लिया है मैंने, पैकेट हो गया कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। वो गाइज इसके अंदर से भी साउंड आया, आई थिंक कॉइन निकला है गाइज, इसके अंदर भी निकला है एक कॉइन, कितने का है मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, इसके अंदर निकल गया है 2 रुपए का कॉइन, वाओ यार। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सारे पैसे हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं, लगभग हर पैकेट में पैसे निकले हैं, है ना कितनी अमेजिंग सी बात, बहुत ही ज्यादा कूल बात है गाइज। और जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 15 पैकेट थे, मैंने 15 पैकेट ओपन किए और हर पैकेट में गिफ्ट निकला है, लगभग हर पैकेट में गिफ्ट निकला है और काफी सारे गिफ्ट यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं। मैं आपको पहले पैकेट के अंदर दिखा देता हूँ जो कि पबजी बैटल ग्राउंड था, उसके अंदर निकले थे गाइज टोटल 3 पेन, एक ये और 2 चाबी के छल्ले जैसे कि आप देख सकते हैं, एक निकली थी हमारी रिंग और एक निकली थी छोटी सी कार, टोटल थे गाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाइज पबजी बैटल ग्राउंड स्नैक्स में हमारे 8 गिफ्ट निकले थे, वाव यार बहुत ही अमेजिंग सी बात है। और गाइज मोटू पतलू खजाना में निकले हमारे टोटल 1, यानी कि 1 बेबलेट हमारा निकला है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक निकला है हमारा ये स्किपिंग रोप, एक निकला है हमारा ये चाबी का छल्ला काफी अमेजिंग सा, एक निकली है हमारी कार नहीं गाइज बस है, स्कूल बस है, और गाइज एक निकली है हमारी ये वॉच जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। 5 गिफ्ट निकले हैं लेकिन 5ों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप के गिफ्ट है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक गिफ्ट लगभग आपको पसंद आएगा। और गाइज इसमें निकले हमारे टोटल लूटमार खजाना में बहुत सारे पैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 गाइज टोटल निकल गए हमारे 38 रुपीज, वाओ ये देखिए गाइज 38 रुपीज हमारे निकल गए हैं, पैसा वसूल हो गया गाइज, बहुत ही अमेजिंग बात है क्योंकि बहुत ज्यादा ही पैसे निकल गए हैं गाइज, मजा आ गया गाइज, ये देखिए गाइज काफी सारे निकले हैं। और गाइज अब आप खुद बताइए कि कौन सा पैकेट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा है, मुझे तो मोटू पतलू का खजाना ज्यादा अमेजिंग लगा है, उसके बाद मुझे लगा है पबजी बैटल ग्राउंड और उसके बाद मुझे लगा है लूटमार खजाना, क्योंकि इसके अंदर पैसे निकले हैं और बाकी उनके अंदर गिफ्ट निकले और ये वाले गिफ्ट कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, मोटू पतलू का खजाना वाले ये मुझे ज्यादा पसंद आए, यानी कि मुझे लगता है कि मोटू पतलू का खजाना ज्यादा अमेजिंग है, इसके अंदर ज्यादा गिफ्ट निकले। आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।